तो स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम लुसेंट के ज्योग्राफी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे भूकंप। तो ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रत्यास्थ पुनसंचलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करती है? मीन्स प्रत्यास्थ पुनसंचलन सिद्धांत जो ये किससे संबंधित है, तो ये है भूकंप से। फिर भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनसंचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन रीड ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फिर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत। तो देखो ये होता है भूकंप विज्ञान, मतलब साइंटिस्ट जो होते हैं उनके लिए भूकंप जो होता है काफ़ी हेल्पफुल होता है। उससे वो ये तो पता कर ही पाते हैं कि पृथ्वी की संरचना कैसा है और साथ ही खनिज कहाँ पर क्या है, ये उस टाइम में सरलता से उन लोगों को पता चल जाता है। तो उन लोगों के दृष्टिकोण से भूकंप क्या होता है, एक ज्ञान का उजागर करने का एक मुख्य समय होता है। तो ये याद रखिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, वो है भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट है भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एपी सेंटर मीन्स भूकंप केंद्र। फिर भूकंप मूल मीन्स फोकस वह स्थान होता है जहाँ मूल से क्लियर कर देता है, मूल मतलब होता है जहाँ पे भूकंप शुरू हुआ था हो, तो जहाँ से भूकंप की क्या होता होगा, उत्पत्ति होता होगा, उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। और भूकंप केंद्र किसे कहते हैं, जैसे समुद्र मतलब धरती के ऊपरी वाली स्तर पे जहाँ से, जैसे बोल कहा सुनते होंगे कि आज नेपाल के इस जगह पे मीन्स भूकंप का ये नापा गया, तो ऐसा कुछ स्टार्ट किया जाता है, न्यूज में बताया जाता है, तो वो क्या होता है, भूकंप केंद्र या उसे एपिसेंटर कहा जाता है और उसे अधिकेंद्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट वही प्रश्न है कि अधिकेंद्र या एपिसेंटर भूकंप का वह बिंदु है जो संबंधित है, किसे संबंधित है, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठ बिंदु से, मीन्स भूकंप का जो मूल होता है, भूकंप मूल जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर जो पृष्ठ होगा उसे हम क्या कहेंगे, एपी सेंटर कहेंगे। नेक्स्ट धरातल के जिस सिद्धांत पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, भूकंप अधिकेंद्र, क्योंकि वहीं से क्या होता है, तरंग आना धीरे धीरे शुरू होता है। नेक्स्ट भूकंप में धरातलीय तरंग होती है, क्या होती है, एल तरंग होती है। देखो एल तरंग होता है, एस तरंग होता है, तो ये सब तरंग है, तो आगे हम पढ़ लेंगे इसके बारे में। तो ये भूकंप का धरातलीय तरंग होता है, मेनली क्या होता है, एल शेप का तरंग होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग सर्वाधिक क्षति पहुँचाती है, तो पहुँचाती है दीर्घ पृष्ठीय जो होता है वो सबसे अधिक क्षति पहुँचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मीन्स गलत है। तो देखो भूकंप के कारण समय बर्बादी होने वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा को सम भूकंप रेखा कहते हैं, ये सही है, मीन्स जितना एरिया तक भूकंप कवर किया है उसको हम क्या कहते हैं, सम भूकंप केंद्र कहते हैं या सम भूकंप रेखा कहते हैं, सॉरी केंद्र तो होता है बीच वाला। नेक्स्ट है सम भूकंप रेखा का आकार नियमित होता है, नहीं वो अनियमित होता है। देखो होता क्या है, जैसे नियमित मतलब पूरा सर्किल होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। मान लो यहाँ पे कोई माउंटेन आ गया और यहाँ पे कोई समुद्री झील आ गया, इस एरिया में झील है, तो यहाँ जो उसका तरंग पास होगा और यहाँ जो तरंग पास होगा इसमें क्या होगा, डिफरेंस होगा। मान लो यहाँ नीचे में खनिज है, तो खनिज वाले जगह में क्या होता है, फास्ट से आ जाता है, समुद्र वाले जगह में थोड़ा स्लो से जाता है, तो ये डिफरेंट टाइप का अलग अलग जगह पे है, तो ये नियमित नहीं रहता, तो यही हमारा गलत हो गया। चलो ये दोनों ही पढ़ लेते हैं। उन स्थानों को मिलने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ आते हैं सह भूकंप रेखा कहलाती है, ये सही है। फिर भूकंप तरंगों पर अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। सिस्मोग्राफ से हम क्या करते हैं, भूकंप का तरंग मापते हैं, ठीक ना, ये पूछा जाएगा आपसे प्रश्न। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, फिर से वही टाइप का प्रश्न आ गया। तो रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है, सही है। देखो इसे हम तरंग मापते हैं सिस्मोग्राफ से, और रिएक्टर स्केल जो होता है मीन सिस्मोग्राफ में ही जो पैमाना होता है, जैसे हम लोग पानी मापते होंगे लीटर में, केजी में मापते हैं, तो उसी तरह से भूकंप किस मापा जाता है, रिएक्टर से मापा जाता है। और हाँ, रिएक्टर से एक प्रश्न आता है कि जैसे रिएक्टर 7 पे कोई भूकंप आया है और रिएक्टर 8 पे कोई भूकंप आया है, तो
इस दोनों का अंतर कम नहीं होता है। जब सेवन में जितना बर्बादी हुआ या जितना उसका फ्रीक्वेंसी था, उसका जब 10 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो उतना इम्पेक्ट 8 पावर दिखाएगा, मीन्स 10 गुना हार्मफुल होता है, वो 10 गुना पावरफुल होता है। तो इमेजिन कर सकते हो कितना ख़तरनाक होता है। तो कभी कभी आप सुनते होंगे न्यूज में, मीन्स जनरली फेक न्यूज, मीन्स व्हाट्सएप फेसबुक पे जो आता है कि 20 रिएक्टर का मतलब भूकंप आएगा, ऐसा कुछ संभव ही नहीं है। सोच सकते हो 6.7 6.8 आता तो इतना हार्म करता है, तो आप उसको 10 10 से मल्टीप्लाई करो तो बहुत हार्ड हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपसे प्रश्न क्या आता है कि रिएक्टर पैमाने पर जो एक का अंतर होता है वो कितने को दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, 10 गुने को दर्शाता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है रिएक्टर स्केल एक लॉन्ग रिथमिक स्केल है, ये भी सही है। फिर एक स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है, यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है, बिल्कुल मतलब उसकी डेंसिटी को मापता है, तो यह भी क्या है, सही है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, मीन सब ये तीनों क्या है, सही है। नेक्स्ट है अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरें को क्या कहा जाता है, मीन समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है तो वो किसका रूप ले लेता है, सुनामी का रूप ले लेता है, सुनामी। तो आपसे अगर ये प्रश्न आए कि सुनामी क्यों आता है, तो आप बोल सकते हो समुद्र तल में आई भूकंप के कारण क्या होता है, मीन्स सुनामी आता है। नेक्स्ट है सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखो यहाँ पे चक्रवात और ये प्रति चक्रवात तो नहीं ही होगा, और अगर आपको ऑप्शन में ज्वालामुखी और भूकंप दिया रहेगा तो आप भूकंप लगाओगे, ठीक ना। लेकिन अगर भूकंप के बदले कुछ और दे दिया है मान लो, और ज्वालामुखी भी दिया है आपके ऑप्शन में, तो क्या करोगे, ज्वालामुखी लगाओगे। क्योंकि समुद्र के अंदर अगर ज्वालामुखी फटता है तो उससे भी क्या होता है, लहर आता है, और जिससे भी क्या होता है, सुनामी आ जाता है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक लगाओगे, इसमें क्या हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा, क्योंकि भूकंप पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। और ऑप्शन में भी है विश्व के सर्वाधिक मीन्स 63% लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आता है, वो आता है परी प्रशांत महासागरीय पेटी। अब प्रशांत याद रखना, प्रशांत महासागर की पेटी में आता है, याद रहेगा। फिर भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है, और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट है सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो सुनामी किस भाषा का शब्द है, जापानी, क्योंकि भूकंप भी सबसे अधिक वहीं पे आता है, जापान। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है, देखो लिखा हुआ है किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री लहरों को सुनामी कहते हैं, तो सुनामी हर एक जगह कहते हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट जो कहा गया होगा वो जापान में ही कहा गया होगा, इसीलिए ऐसा प्रश्न है, ठीक ना। तो सुनामी अगर वर्ड हो वो तो किसका है, जापान की उत्पत्ति है, उससे प्रश्न हो तो आप टिक लगा लोगे। नेक्स्ट तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंप लहरें कौन सी होती है, तो जो नहीं गुजर सके वो क्या होता है, एल होता है, एल, ठीक ना। और ये दोनों क्या होता है, तरल पदार्थ से गुजर जाएगा, लेकिन अगर स्थल पदार्थ का हो तब वहाँ पे एल और पी ही गुजर पाता है, तो याद रखिएगा। फिर है रिएक्टर स्केल मापता है, रिएक्टर स्केल से हम क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता मापते हैं। अच्छा एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये, वर्षा की मात्रा हम किससे मापते हैं, ठीक ना, बहुत आसान सा प्रश्न है। अब मीन्स एनालिटिकल थोड़ा दिमाग लगाओ तो आप बना पाओगे इसका आंसर, बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ किस मापने के लिए, मीन्स सिस्मोग्राफ से हम क्या मापते हैं, तो क्या मापते हैं, भूकंपीय तरंग। भूकंप का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो अभी हम पढ़े हुए थे, क्या कहते हैं उसको, सम भूकंप रेखा। फिर है किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव हो, मीन्स वही प्रश्न एक हम पहले पढ़े थे कि एक साथ दो जगहों पर अगर भूकंप आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सह भूकंप रेखा। फिर है सह भूकंप रेखा का आकार प्रायः कैसा होता है, तो क्या होता है, मीन्स कोई नियमित नहीं होता, किसी शेप में वो हो सकता है, क्योंकि किस कोने पे आया है, फिर किसका कितना रेंज है, तो उस पे वो डिपेंड करता है, वो क्या होता है, अनियमित होता है। भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष की अधिक में सामान्यतः कितने बार भूकंप आते हैं,
तो कितना बार आता है 8000 से 10000, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अधिक है 8000 से 10000, जिसमें क्या होता है बहुत निम्न निम्न, क्योंकि धरती के अंदर क्या होता है हमेशा कुछ ना कुछ हलचल होते ही रहता है। तो अगर प्लेट टिक्टोनिक प्लेट जो था थोड़ा भी अगर हिला तो वो क्या होता है भूकंप का रूप होता है। तो भूकंप हमेशा लगभग आते ही रहता है, आप समझ सकते हो कि एक साल मीन्स 365 दिन हुआ, ठीक है ना, 365 से अगर इसको डिवाइड करो तो एक दिन में अप्रोक्स कितना बार हो गया, 20 बार समझ लो, 20 बार से अधिक बार भूकंप आता है, 30 बार समझ लो, ठीक है ना, तो एक दिन में उतना बार भूकंप आता है, तो इसको याद रखना वैसे। और उसमें भी सबसे अधिक भूकंप किस में आता है, सर्किल ऑफ फायर, वही है अग्नि विलय, प्रशांत महासागर के उस विशालकाय क्षेत्र को कहते हैं जहाँ कुल भूकंप का कितना प्रतिशत आता है, ये आपसे पूछा जाए तो कितना आता है, 68%, ठीक है ना, बहुत अधिक है। भूकंपीय तरंगों को मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो अभी हम पढ़े हुए थे किससे किया जाता है, सिस्मोग्राफ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है, तो देखो धरातल पर क्या नहीं घटेगा, सुनामी कहाँ घटता है, समुद्री एरिया में, समुद्र में घटता है। तो यह था इस वीडियो का एंड, लास्ट प्रश्न था ये हमारा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और वीडियो मिलता रहेगा एजुकेशन रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।